नमस्कार, मैं विकास, इजी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी ओपन की गई है। यहां पर NPCIL भारत सरकार का उद्यम है, तो यहां पर नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र की तरफ से अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी ओपन की गई है। तो यहां पर ये नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो बुलंदशहर उत्तर प्रदेश ये प्लांट का स्थान है। तो यहाँ पर NPCIL नरौरा प्लांट बुलंदशहर की तरफ से अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी ओपन की गई है। तो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो दी गई है वो आपकी 7 जुलाई 2021 16 बजे तक निर्धारित की गई है। तो यहाँ पर किस किस ट्रेड के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी ओपन की गई है, तो उसके विषय में पूरा विस्तार पूर्वक बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आपको शुरू से लास्ट तक बने रहना है। तो यहाँ पर चलिए नीचे की तरफ चलते हैं, आपको ट्रेड का विवरण दिखाते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि ट्रेड का जो विवरण है, डिटेल्स ऑफ ट्रेड, ट्रेड का इधर को नेम लिखा हुआ है। तो फिटर की जो आपकी वैकेंसी है वो 20 वैकेंसी है, और इलेक्ट्रीशियन की है 13 वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक्स की 12 वैकेंसी है, मशीनिस्ट की इसी तरीके से 5 वैकेंसी है। कुल मिलाकर के आपकी टोटल वैकेंसी 50 हैं। यहाँ पर आपको जो स्टेप पॉइंट यानी कि सैलरी मिलेगी वो आपको मिलने वाली है। यहाँ पर 1 ईयर की जो ट्रेड है उनके लिए 7700 रुपये निर्धारित की गई है। जो 2 ईयर की ITI में ट्रेड है उनके लिए 8855 रुपये निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ पर जितनी ये ट्रेड हैं ये सभी 2 ईयर की ट्रेड है। तो यहाँ पर आपको सैलरी 8855 रुपये मिलने वाला है। तो यहाँ पर इसकी जो एज लिमिट है उसके विषय में बात की गई है। तो यहाँ पर आपकी उम्र 7 जुलाई 2021 को न्यूनतम 14 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष होनी चाहिए। भारत सरकार के आदेशानुसार यहाँ पर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति को आयु में छूट का प्रावधान है। तो SC ST को 5 ईयर, OBC को 3 ईयर की छूट यहाँ पर मिल जाएगी। जो सामान्य PWD के कैंडिडेट हैं उनको 10 वर्ष की आयु में छूट है। तो यहाँ पर आपकी जो अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग की जो अवधि रहेगी वो कितनी रहेगी, तो यहाँ पर आपका जो ट्रेनिंग का टाइम है वो 1 ईयर रहने वाला है। तो यहाँ पर इन कैटेगरी को, सॉरी, यहाँ पर इन ट्रेड की जो अप्रेंटिस की वैकेंसी है इनको कैटेगरी वाइज यहाँ पर विभाजित किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फिटर की जो 20 वैकेंसी है उसमें से अनुसूचित जाति की 4 वैकेंसी हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC कैंडिडेट के लिए 5 वैकेंसी और EWS के लिए 2 वैकेंसी, अनारक्षित की 8 वैकेंसी हैं और PWD कैंडिडेट की यहाँ पर 1 वैकेंसी है। तो इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन की भी वैकेंसी जो 13 हैं उनको डिवाइड किया गया है, 3 SC की हैं और 4 वैकेंसी OBC के लिए, 2 EWS, 4 अनारक्षित के लिए हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर अपनी ट्रेड के हिसाब से वैकेंसी कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं। तो आपकी यहाँ पर कुल 50 वैकेंसी हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, शैक्षणिक योग्यता, तो यहाँ पर हम शैक्षणिक योग्यता के विषय में बात कर लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर फिटर, इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनिस्ट आपकी 4 ट्रेड हैं। तो इन सभी के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपने संबंधित ट्रेड से ITI उत्तीर्ण की हो, यानी कि आपके पास ITI का प्रमाण पत्र हो संबंधित ट्रेड से। जैसे आपने ITI मशीनिस्ट से की है तो आप मशीनिस्ट के लिए एलिजिबल हैं, इसी तरीके से फिटर वाले फिटर के लिए, तो आपके पास ITI होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण का जो आपका स्थान है वो प्लेस ऑफ ट्रेनिंग का जो रहने वाला है वो प्रशिक्षण का स्थान आपका रहेगा नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र नरौरा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में आपका अप्रेंटिसशिप का स्थान रहने वाला है। तो यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए शारीरिक योग्यता का जो मापदंड दिया गया है वो यहाँ पर इन्होंने दिया है, अभ्यर्थी को निम्नलिखित न्यूनतम मापदंड पूर्ण किए जाने चाहिए। आपकी जो हाइट है, ऊंचाई, वो 137 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, इससे अधिक होनी चाहिए, और आपका जो वेट है 25.4 किलोग्राम से अधिक होना चाहिए। ये मापदंड जो दिया गया है वो लगभग सभी का पूर्ण है। अगर किसी का भी वजन इससे कम है, हाइट भी कम है, तो वो यहाँ पर इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा।
जो आपकी चयन की प्रक्रिया है उसके विषय में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर के विषय में बात की गई है। नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र नरौरा जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में 16 किलोमीटर परिधि में निवास करने वाले पात्र स्थानीय अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। जो बुलंदशहर नरौरा बुलंदशहर के 16 किलोमीटर की परिधि यानी कि 16 किलोमीटर की रेंज में है उनको सबसे पहले वरीयता दी जाएगी। यहाँ पर अभ्यर्थी की शॉर्ट लिस्ट संबंधित आईटीआई ट्रेड में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर की जाएगी। आपके आईटीआई के मार्क्स के आधार पर यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। आईटीआई में प्राप्त अंकों के प्रतिशत में टाई होने की स्थिति में पहले जन्म लिया जाएगा, अभ्यर्थी मान्य होगा। जो यानी कि जिसके भी बराबर परसेंटेज हो जाएंगे तो वहाँ पर जिसकी डेट ऑफ बर्थ पहले होगी उसको पहले लिया जाएगा। सामान्य शर्तें यहाँ पर दी हैं, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और आवेदन कैसे करना है इसके विषय में हम बात करते हैं। आवेदन कैसे करें, हाउ टू अप्लाई। तो आपको सर्वप्रथम अप्रेंटिस शिप की जो ऑफिशियल साइट है apprenticeship.gov.in पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिलहाल apprenticeship.gov की साइट इस समय बंद है, तो यहाँ पर इसकी जगह पर नया पोर्टल लॉन्च किया गया है apprenticeindia.org। तो आपको apprenticeindia.org की साइट पर अप्रेंटिसशिप का रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद में आपको किसी भी पद के लिए आप NPCIL की www.npcilcareer.co.in पर जाएं, वहां से आप अपने आवेदन को ऑनलाइन अप्लाई रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो मैं आपको अप्लाई ऑनलाइन करके दिखाने वाला है अगले वीडियो में। आपको अप्लाई ऑनलाइन कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप क्लियर करके दिखाएंगे। तो यहां पर पूरा इसके विषय में विस्तार से हम जानकारी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। जो यहां पर दस्तावेज हैं सत्यापन के समय आपको जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिक अंक पत्र और शैक्षिक योग्यता 10वीं 12वीं अंक पत्र जो हैं आईटीआई का, ये सभी आपको पत्राचार के माध्यम से भेजने होंगे। आवेदन की हार्ड प्रति जो है वो आपको अंतिम तिथि 21 जुलाई 2021 तक आपको दिए गए इस पते पर भेजना होगा। तो इसके बाद में जो भी आवेदन वहां पे जाएगा वो रिसीव नहीं किया जाएगा। जो आपका ऑनलाइन आवेदन है उसके प्रति आपको भेजनी होगी। आवेदन पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर मूल फोटो चिपकाया गया हो, सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ दिनांक 21 जुलाई 2021 को ठीक 5 बजे तक आप इस पते पर जो निम्न पता दिया है उस पर भेज देना है। ये पता यहाँ पर दिया है प्रबंधक HR M नरोरा विद्युत नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र ये दिया हुआ है। यहाँ पर इस पते पर आपको यानी कि डाक द्वारा भेजना होगा। तो आपको आवेदन कैसे करना है जो रजिस्ट्रेशन का है वो मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। दोस्तों यदि वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि उनको भी यह जानकारी मिल सके। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। नमस्कार, धन्यवाद।